भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठतम नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के पुरोधा और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करके यहां पर पहुंचाने बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। ऐसे श्री लालकृष्ण आडवाणी जी जो हम सबके परम आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं और पूरी भारत की जनता उनको बहुत प्यार करती है और जिस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन इस समाज के लिए, देश के लिए देने का काम किया है और राजनीति में नई एक आयाम देने का काम लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना, मुझे लगता है कि उनका तो सम्मान है ही है, भारत रत्न का भी सम्मान है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आडवाणी जी का नाम सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा इस भारत रत्न के साथ और इससे बढ़कर बात हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो वास्तव में भारत रत्न थे उनको भारत रत्न, इसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया। अभी 23 जनवरी को ही जन नायक के रूप में जिनकी ख्याति है, ऐसे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के मसीहा और सामाजिक न्याय के देवता जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का काम किया और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला, मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।